फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रहा है और जिस तरह के मार्केट कंडीशंस हैं उसे देखकर लगता है कि नियर फ्यूचर में यहां से थोड़ा और गिर सकता है। तो इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? जो भी स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है उस इन्वेस्टमेंट के साथ हमें क्या करना चाहिए? स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होगा? तो देखिए, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यही है कि जब मार्केट बहुत ऊपर पहुंच जाए वहां आप जो भी इन्वेस्टमेंट है आपका स्टॉक्स इक्विटी म्यूचुअल फंड सब कुछ बेच दें और जब स्टॉक मार्केट सबसे नीचे गिर जाए उस समय आप फिर से इन्वेस्ट कर दें। तो लगातार आप ऐसा करते रहें, लॉन्ग टर्म में शायद आपको इससे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे। लेकिन ऐसा करने में दो प्रॉब्लम्स आते हैं। फर्स्ट है कि जब भी आप बेचेंगे तो वहाँ पे अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो एग्जिट लोड का प्रॉब्लम आएगा और स्टॉक है या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड है दोनों में ही टैक्सेशन का प्रॉब्लम आएगा। तो एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे ही आता है और सेकेंड और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है वो ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब सबसे ज़्यादा ऊपर जा चुका है, यहाँ से अब गिरने वाला है। उसी तरह से आपको कैसे पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट अब बिल्कुल गिर चुका है, यहाँ से और शायद नहीं गिरेगा। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि कंसिस्टेंटली ये बता सके कि स्टॉक मार्केट अब टॉप पे पहुँच चुका है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से गिरेगा। सिमिलरली ये बता सके कि नहीं, स्टॉक मार्केट अब बहुत ज़्यादा गिर चुका है, यहाँ से और नीचे नहीं गिरेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ऐसा कोई भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें पता हैं तो शायद पूरे वर्ल्ड में आप एकमात्र ऐसे इंसान हैं। सुनाओ, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन वो बेस्ट तो है लेकिन हमारे लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि हम उसे नहीं कर पाएंगे। तो फिर सेकंड बेस्ट क्या होगा? इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का अगर आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे, पोर्टफोलियो का रिटर्न चेक करेंगे तो काफ़ी सारे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि उनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न है वो मार्केट रिटर्न से भी कम है। इसका कारण क्या है? एम्फी का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा डेटा है, June 30, 2023 का लेटेस्ट डेटा है। यहाँ पे अगर आप इक्विटी एसेट्स को देखें तो 6 मंथ के अंदर 16% इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल लेते हैं। 6 मंथ से 12 मंथ में अबाउट 11% लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं और 12 मंथ से 24 मंथ के बीच में अबाउट 22% लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं। दैट इज़ एक साल के अंदर अबाउट 26% लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं और 2 ईयर्स के अंदर ऑलमोस्ट 49%, दैट इज़ ऑलमोस्ट 50% लोग, आधे लोग अपना पैसा इक्विटी एसेट से निकाल लेते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स के जेन्यून एक्सपर्ट से बात करेंगे जिन्हें कि मार्केट्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, कस्टमर इंटरेक्शन उनका होता है, तो क्लियरली आपको बताएंगे कि देखिए, स्टॉक मार्केट में या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है तो उसके लिए बेसिक क्या है? उसके लिए बेसिक सिंपल है कि आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे कंपाउंडिंग का बेनिफिट उतना मिलेगा और आपको उतना ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। तो यहाँ हमने जो अभी डेटा देखा है ऑलमोस्ट 50% लोग तो 2 ईयर्स तक भी इक्विटी एसेट में बने नहीं रहते हैं, तो फिर रिटर्न कहाँ से आएगा? और इसमें से ज़्यादातर लोग कैसे होंगे, या तो उनका रिटर्न्स थोड़ा कम आया होगा या थोड़ा निगेटिव आया होगा, डर कर बेच दिया होगा, या फिर कुछ और इंटेलिजेंट लोग होंगे जो कि सो कॉल्ड टॉप फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनका उन्होंने देखा कि नहीं, मेरा फंड थोड़ा कम रिटर्न दे रहा है, दूसरे फंड ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, तो अपना पुराना फंड बेच दिया, उन्होंने दूसरा फंड खरीद लिया। उसके बाद कुछ महीने के बाद दूसरा फंड का ही परफॉर्मेंस थोड़ा कम हुआ, उसके बाद उन्होंने तीसरा फंड ले लिया। तो इस तरह से अगर आप पोर्टफोलियो में चर्निंग करेंगे तो मोस्टली आपके रिटर्न अच्छे नहीं आएंगे। एक्सिस म्यूचुअल फंड्स ने भी रिसेंटली एक सर्वे किया है, उस सर्वे में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसमें अबाउट 87% लोग ऐसे हैं जिन्हें कि पता है कि अगर आपको राइट म्यूचुअल फंड्स, सुटेबल म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, सेलेक्ट करना है, तो आपको अपना रिस्क कैपेटाइट पता होना चाहिए, रिस्क प्रोफाइलिंग करना चाहिए। लेकिन सिर्फ 27% लोग ऐसे हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के दौरान अपने रिस्क प्रोफाइल को सही से कंसिडर करते हैं। सो अभी हमने जो दो डेटा पॉइंट्स डिस्कस किया इससे आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि क्यों इंडिया में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स अच्छे नहीं आते हैं। पहला रीज़न है कि लॉन्ग टर्म तक ज़्यादातर इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं हैं, वो काफ़ी पहले
बेच कर निकल जाते हैं, तो मोस्टली आपको रिटर्न्स नहीं अच्छे आएंगे। और दूसरा है कि इन्वेस्टर्स रिस्क प्रोफाइल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट करने के दौरान। तो देखिए, अगर कोई बहुत ज़्यादा रिस्की फंड है, लाइक इक्विटी में अगर आप देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स तो अच्छे आते हैं, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब किसी ने बिना अपना रिस्क प्रोफाइल देखे हुए, इन्वेस्टमेंट होराइजन देखे हुए, सिर्फ एक साल या छः महीने या फिर दो साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किया, अनफॉर्चुनेटली उस समय मार्केट डाउन चला गया, ऑफकोर्स उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो जाएगा, कुछ केसेस में काफ़ी कम हो जाएगा, तो डर कर मोस्टली अपना बेच देंगे इन्वेस्टमेंट, काफ़ी लॉस होगा और शायद उसके बाद फ्यूचर में वो कभी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे गलती किसकी है? जब भी आप स्टॉक मार्केट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाए, लाइक इक्विटी में, तो इक्विटी में डायरेक्ट इक्विटी आप कर सकते हैं, स्टॉक्स खरीद सकते हैं, या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करें। आप देख लें कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, रिस्क प्रोफाइलिंग से ही ये पता चलेगा। अगर अभी तक आपने रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं किया है तो हमारे वेबसाइट phronesisinvestor.com में आप फ्री में रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना रिस्क प्रोफाइलिंग डिसाइड करें, उसके बाद आप देखें कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क प्रोफाइलिंग से आपको पता चलेगा कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेकेंड, आपको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन देखना है। 5 साल से कम का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो किसी भी इक्विटी प्रोडक्ट में हमें अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। लाइक अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप के फंड्स के लिए अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर से ज़्यादा जरूर रखें, उससे कम में इन्वेस्ट नहीं करें। और यहाँ पे देखिए, अगर मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं वो भी लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में अपना एक्सपोजर ले सकते हैं, और एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तब तो बिल्कुल ले सकते हैं। उसी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्की कैटेगरी के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाइक मल्टी कैप के फंड्स, वो 50% प्लस का उनका एक्सपोजर होता है मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में, मिड कैप के स्टॉक फंड्स वहाँ पे 65% से भी ज़्यादा का एक्सपोजर होता है मिड कैप के स्टॉक्स में, या फिर स्मॉल कैप के फंड्स वहाँ पे 65% से भी ज़्यादा एक्सपोजर होता है स्मॉल कैप के स्टॉक्स पे, तो ये सारे कैटेगरीज के जो फंड्स हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। यहाँ पे अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो रिस्क प्रोफाइल आपका एग्रेसिव होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये बेसिक चीज़ें प्लीज़ आप चेक कर लें, रिस्क प्रोफाइलिंग चेक कर लें, इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड कर लें, उसके बिना इन्वेस्टमेंट नहीं करें, कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप गलत तरीके से बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मोस्टली आपका रॉन्ग नंबर लगेगा, या तो रिटर्न्स अच्छे नहीं आएंगे, या फिर आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए मार्केट ऊपर है नीचे है, अगर हम SIP करते हैं तो SIP हमें कंटिन्यू करना चाहिए। SIP का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया है ताकि हमें मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर है नीचे है SIP कंटिन्यू करना चाहिए हमें। हाँ, जब मार्केट काफ़ी गिर जाए, अगर आपके पास सरप्लस पैसा है उस समय, तो ऑफकोर्स वहाँ पे हम लमसम भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब मार्केट फेयरली वैल्यूड से ऊपर जा रहा है, थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है या फिर काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो वहाँ पे कोई बहुत बड़ा लमसम करने का ऑफकोर्स कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं है कि जब मार्केट गिर रहा हो तो हमें अपना पूरा इक्विटी पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए। देखिए, अगर आपने अच्छे स्टॉक्स, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऑफकोर्स जब मार्केट गिरेगा तो वो भी गिरेंगे, लेकिन जब मार्केट ऊपर आएगा तो फिर से वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट हमेशा के लिए गिरा रहेगा। हाँ, अगर आपने जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया, अगर उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, या फिर अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया अच्छे क्वालिटी के, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन अगर क्वालिटी अच्छा है तो जब मार्केट वापस आएगा वो भी वापस आ जाएगा, और फिर ऐसा नहीं कि मार्केट ना 10 साल 20 साल तक डाउन रहेगा, मे बी फ्यू मंथ्स के लिए डाउन रहेगा, या ज़्यादा ज़्यादा 1 साल 2 साल कितना प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए बोला जाता है लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन, वहाँ पे फिर से वो वापस आएगा और फिर से रिटर्न्स भी अच्छे खासे आएंगे। तो इसीलिए इन बिटवीन हमें ये ना ज़्यादा चर्निंग करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हाँ, एलोकेशन चेंज कर सकते हैं। सपोज़ आपने डिसाइड किया कि लार्ज कैप में मैं 60% रखूँगा, मिड कैप स्मॉल कैप में 40% रखूँगा। अब मिड कैप स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो हो सकता है कि आपका एलोकेशन बिल्कुल चेंज हो गया। अब आपका मिड कैप स्मॉल कैप 60% हो गया, लार्ज कैप 40% हो गया, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो रीबैलेंस कर सकते हैं। लाइक आप लार्ज कैप में अपना SIP बढ़ा देंगे, मिड कैप स्मॉल कैप में SIP बंद कर देंगे या फिर कम कर देंगे। जब वो बैलेंस आउट हो जाएगा, फिर से आप जो पहले से SIP कर रहे थे वो फिर से आप स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। उसी तरह से एसेट एलोकेशन, लाइक
इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है तो आपने सोचा इक्विटी में 60 रखेंगे, डेट में 40 रखेंगे। इक्विटी बहुत अच्छा कर रहा है तो इक्विटी अब 80 हो गया और डेट 20 हो गया, तो यहाँ पे भी आप एलोकेशन चेंज करेंगे। यहाँ पे आप अगर इक्विटी मार्केट में SIP चल रहा है तो मे बी आप कुछ समय के लिए बंद कर देंगे अगर मार्केट बहुत ऊपर है तो, और वो पैसा आप डेट में डाल देंगे। फिर से जब 60-40 के आसपास का रेशियो आ जाएगा फिर से आप स्टार्ट कर देंगे इक्विटी मार्केट का SIP। तो इस तरह से कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पूरा पोर्टफोलियो ही बेच दूंगा जब मार्केट पूरा गिर जाएगा मैं फिर से इन्वेस्ट करूंगा, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आप हमेशा ध्यान में रखें कि अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना होगा और अननेसेसरली अपने पोर्टफोलियो के साथ छेड़छाड़ नहीं करना होगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं अच्छे फंड्स के साथ, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं लाते हैं अननेसेसरली, अगर ज़रूरत है तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए म्यूचुअल फंड्स का। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है म्यूचुअल फंड्स का तो आइडियली आपको किसी एक्सपर्ट का हेल्प लेना चाहिए या फिर आप अपना म्यूचुअल फंड नॉलेज ज़रूर बढ़ाएं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।